आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। पहले हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें हमारे ढेर सारे कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं। क्या होता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या होते हैं? उसमें हमारे ढेर सारे कांस्टेंट एंड वेरिएबल होते हैं। जैसे हमारा इसका पहले हम पूरा थ्योरी जान लेते हैं। इसमें हमारी दो चीज दी रहती है, एक होता है LHS और दूसरा हमारा होता है RHS। LHS RHS का मतलब क्या होता है? LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मीन जो हमारा लेफ्ट साइड रहता है, और RHS का मतलब जो राइट हैंड साइड। या तो हम इसे एग्जांपल में ऐसे मान ले, जैसे कि ये हमारा इंडिया है और ये हमारा क्या है? पाकिस्तान है। क्या है? ये हमारा इंडिया है और ये हमारा पाकिस्तान है। तो जब यहाँ जो इंडिया में है, इंडिया में जैसे जब इंडिया वाला पाकिस्तान में जाएगा, जैसे इंडिया में कोई हिंदू है, जैसे इंडिया में जो हिंदू है वो जब पाकिस्तान में जाएगा तो उसको क्या बनना पड़ेगा? मुस्लिम बनना पड़ेगा। तो जब इंडिया में वो था तो उसकी साइन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो उसी तरह जैसे इधर अगर हमारा प्लस है LHS में, तो जब हम इसे राइट हैंड साइड भेजेंगे मिस पाकिस्तान में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इधर अगर मल्टीप्लाई का है तो इधर डिवाइड का हो जाएगा, अगर यहाँ डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या होता है? LHS और RHS। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक एग्जांपल है 7x + 3 = 5। हमारा ये LHS है, ये RHS है, तो हमारा इसमें क्या फाइंड करना है? हमको x फाइंड करना है, यही तो हमारा वेरिएबल है। तो x हम कैसे फाइंड करेंगे? x हम फाइंड करेंगे पहले 7x, तो ये हमारा इधर क्या था? ये हमारा इधर 5 ही लिख लेंगे। ये हमारा प्लस का 3 था, तो मैंने बताया था कि ये हमारा जब इधर प्लस का, ये हम इसे ही क्यों भेजे? क्योंकि ये x के दूर है, तो इधर ये प्लस का 3 है, तो इधर जाके क्या होगा? माइनस का 3 हो जाएगा। मैंने कहा था ना उस तरफ जाएगा RHS में। तो ये हमारा हो जाएगा 5 - 3 = 2, तो 7x हो गया। अब हमारा क्या होगा? अब मैंने एक इसमें इंपॉर्टेंट थिंग रहती है कि जी ये 7x लिखा है, इसके बीच में हमारा कौन सा साइन हमेशा रहता है? मल्टीप्लाई का साइन रहता है। तो इसी तरह ये 7 × x है, तो ये 7 इधर क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2/7 क्या है? x। तो ये अब हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर x का क्या आ जाएगा? 2/7। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सही है कि गलत? तो इसे हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं एक साइड। तो अगर हम यहाँ पे 7, ये तो हमारा लिखा ही है, तो इसके यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको जस्ट कि यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये जो x है, x की जगह हम क्या रखेंगे? 2/7। तो 7 × 2/7, उसके बाद हमारा प्लस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अब हमारा सिंपल हो गया। अब हमारा 7 × 7 = 7, तो अब हमारा क्या बचा? 2 + 3। तो 2 + 3 हमारा कितना होता है? सबको पता है 5 होता है, तो हमारा 5 यहाँ पे आया था, तो हमारा क्या है? 2/7। तो इस तरह हमारा जो आंसर है वो सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन। हमारा ये तो था कुछ इस तरह। तो हमारा एक फ्रैक्शन में आता है, लीनियर इक्वेशन फ्रैक्शन में करने का। इसका हमारा जैसे एक है 2x - 3 / 5 + x + 4 + 4 / 4 = 4x + 1/7। तो ये हमारा एक ये हमारा एक क्वेश्चन है। जैसे हमारा इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाता है किसमें? लीनियर इक्वेशन का फ्रैक्शन में। तो हम सोचते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, पर ये डिफिकल्ट है, इसे हमें क्या करना है? समझना है। और जितनी बार हम इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर हमें इसे समझ में आएगा, बिकॉज प्रैक्टिस इज द मेन थिंग टू द सक्सेस। तो चलिए, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो 5 और 4 का लेंगे क्या? LCM लेंगे। तो LCM हमारा जानते ही हम कैसे करते हैं फ्रैक्शन। तो इस एक वीडियो में मैंने बताया था फ्रैक्शन कैसे करते हैं, और मेरी बहन ने भी part 2 बनाया था। तो इसमें हम क्या करेंगे? 5 और 4 है, तो हमारा 20 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? तो हम जानते हैं कि 5 का टेबल इतना पढ़ो कि 20 आ जाए, तो 4 बार में पढ़ेंगे। तो 5 × 4 से क्या होता है? 20। और हम जानते हैं जब 4 आ जाता है तो इसे जो ऊपर वाला जो दिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई किस होगा? मैंने इसीलिए ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और बीच में हमारा प्लस का साइन आएगा। और 4 को हम 5 से करेंगे तो 4 × 5 जो, और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x में भी करेंगे और 3 में भी करेंगे। इधर तो हमारा वही लिखा रहेगा 4x + 1/7, इधर हमारा यही लिखा रहेगा। फिर हमारा इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा होगा 4 को हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब तक हम ऊपर का रफ कर लेते हैं, जिससे जब हम यहाँ पे इसका लिख देंगे तो यहाँ पे हमें करने में आसानी होगी। तो 4 का करेंगे तो 4 × 2 = 8x आ गया। ठीक,
तो उसके बाद यहाँ माइनस का साइन, तो 4 3 क्या हो गया 12 हो गया, और बीच में तो हमारा प्लस का साइन रहेगा ही, और ये 5 इसको 5x कर लेंगे हम ये हमारा ब्रैकेट के अंदर, और ये प्लस है ये 5 × 3 = 5 3 = 15, तो ये हमारा क्या होगा इसका अपॉइंटमेंट 20। इधर हमारा यही सेम थिंग लिखा रहेगा, तो हम उसे लिखने बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे जब हमारा कुछ इस तरह आ गया, तो 8x + 5x क्या होगा 8x, ये हमारा प्लस का है तो हमारा 13x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है ये -12 है और ये +15 है, तो हमारा क्या आएगा प्लस का 12 और 15, हमारा प्लस माइनस माइनस होता है पर साइन तो बड़े की ही लगेगी, तो बड़ा क्या हमारा 15, तो हमारा आ जाएगा प्लस का 3। तो उसके बाद हमारा अपॉन में कितना आ जाएगा 20, और इधर हमारा कितना कितना है 4x + 1/7, तो इज दैट क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसे हमारा करने का तरीका है कि अब हमें इसको क्या करना रहता है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसे हम इधर इधर में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई 13 में होगा तो कितना आएगा 91x, ठीक, जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 91x, और उसके बाद 7 × 3 = 21, ये हमारा प्लस का 21 हो गया = ये 20 को 4 से किए तो हमारा कितना है 80x, और ये हमारा 20 + 20 + 21 = 20, ये हमारा हुआ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा ये x का इधर है और इसका, तो हम इसको LHS और RHS मिस इंडिया और पाकिस्तान में एक दूसरे को भेजेंगे, तो ये हमारा 91x था, तो इधर प्लस का है इधर आके -80x हो जाएगा, ठीक, तो इधर हमारा क्या आ गया 11x, और इधर हमारा ये जब प्लस का 21 था तो ये हमारा 20 इधर निकला, ये प्लस का था इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा -1 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हमारा -1/11 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये, इस तरह हम लीनियर इक्वेशन करते हैं। तो आई सपोज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।